तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप आसानी के साथ अपने बजाज ईएमआई कार्ड का जो है लिमिट को है दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज कर पाओ। सिंपली अपने बैंक स्टेटमेंट को फ्रीज कराकर और आसानी के साथ अपना क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हो। तो वीडियो पर बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सिंपली दोस्तों करने का है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से आप अपने फोन के अंदर बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने होम पेज आएगा। ईएमआई कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालकर यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। आपको अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिंक ईएमआई कार्ड का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका जो है ईएमआई कार्ड जो है दोस्तों यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो हो सकता है दोस्तों कि ईएमआई कार्ड में आपका यहाँ पे इंक्रीज लिमिट का ऑप्शन नहीं आता होगा। हो सकता है कि आपका लोन जो है दोस्तों कोई चल रहा हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे सारा क्लोज हो चुका है। जैसे देख सकते हो क्लोज व्यू ऑल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सारा यहाँ पे यू हैव नो एक्टिव लोन्स दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद से होता क्या है कि आपका जो ऑटोमेटिक जो है क्रेडिट लिमिट को दोस्तों इंक्रीज कर दिया जाता है अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं। तो सिंपली आपको ईएमआई पे क्लिक कर लेना है लिमिट को इंक्रीज करने के लिए और यहाँ पे अवेल नाउ का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है इनकम वेरिफिकेशन, यानी कि आपको अपना इनकम वेरिफिकेशन एक बार अपडेट करवाना पड़ेगा तभी जाकर आपका जो है दोस्तों यहाँ पे लोन जो है दोस्तों इंक्रीज हो पाएगा, यानी कि जो भी लिमिट है इंक्रीज हो पाएगा। तो जो भी आपने बैंक अकाउंट डाला है ऑटो डेबिटेड के लिए आप अपने बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन के अंदर, उसी से आपको यहाँ पे लॉग इन कराना पड़ेगा। तो सिंपली देख सकते हो यहाँ पे ओटीपी के जरिए आपको लॉग इन कराना है। तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है, कंटिन्यू का ऑप्शन है, सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक को जो है दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, गेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने बैंक सिलेक्ट किया होगा तो आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को जैसे यहाँ पे वेरीफाई कराओगे, ओटीपी दोस्तों वेरीफाई कराते ही आपके सामने यहाँ बोल जाएगा सिलेक्ट योर बैंक। यहाँ पे आपका बोलेगा आप कंसेंट योर बैंक स्टेटमेंट बोल रहा है आपका इस अकाउंट का। तो सिंपली गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद से आपको सिंपली करना क्या है, ऑथोराइज बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कर देना है। इसके बाद से यहाँ पे ऑल कॉन्स्टेंट हैंडल्स जो है यहाँ पे टिक आउट कर देना है। इसके बाद से सिंपली गिव कॉन्स्टेंट का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड आप देख सकते हो योर कॉन्स्टेंट वाज रिसीव सक्सेसफुली, वी आर फिचिंग योर बैंक स्टेटमेंट, दिस मे टेक टू अप टू मिनट्स, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश और गो बैक। अब आपको सिंपली यहाँ पे वेट करना है, आपको बैक वगैरह नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ से आपका लिमिट जो है दोस्तों इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ओटीपी दोस्तों वेरीफाई कराने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है दोस्तों आपका यहाँ पे क्रेडिट लिमिट जो है दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। और अगर कहीं दोस्तों अगर सिविल में अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है कि क्रेडिट लिमिट दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज ना हो पाए। तो इस तरीके से आप अपने बजाज ईएमआई कार्ड का लिमिट जो है दोस्तों इंक्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।